इस वक्त की बहुत बड़ी खबर दिल्ली से सामने आ रही है, जहां पर गुलाम नबी के आजाद के घर आनंद शर्मा पहुंचे हैं। जी हां, कांग्रेस नेता आनंद शर्मा इस वक्त गुलाम नबी आजाद से मिलने पहुंचे हैं उनके घर, और इस्तीफे के बाद शर्मा की आजाद से ये पहली मुलाकात है। इस वक्त की बहुत बड़ी खबर, गुलाम नबी आजाद के घर कांग्रेस नेता आनंद शर्मा पहुंचे हैं। आनंद शर्मा भी देंगे कांग्रेस से इस्तीफा, ऐसा कयास लगाया जा रहा है। ऐसी खबरें चल रही हैं कि गुलाम नबी आजाद के बाद अब आनंद शर्मा भी कांग्रेस से इस्तीफा दे सकते हैं। आजाद ने राहुल गांधी और सोनिया गांधी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। अपनी चिट्ठी जो उन्होंने सोनिया गांधी को लिखी थी, उस पर गुलाम नबी आजाद ने राहुल गांधी पर बेहद गंभीर आरोप लगाए थे। G23 के सदस्य हैं आनंद शर्मा, जिसमें गुलाम नबी आजाद भी थे, और G23 के जो सदस्य हैं वो आनंद शर्मा भी हैं। आपको बता दें, इससे पहले कपिल सिब्बल और गुलाम नबी आजाद पार्टी छोड़ चुके हैं। गुलाम नबी आजाद ने कल इस्तीफा दिया था। इससे पहले कपिल सिब्बल भी कांग्रेस से विदा ले चुके हैं। अब खबर यह है कि आनंद शर्मा भी कांग्रेस से इस्तीफा दे सकते हैं। आनंद शर्मा भी नेतृत्व पर सवाल उठा चुके हैं, कई गंभीर आरोप वो भी लगा चुके हैं। आपको बता दें, किस तरीके से कई कांग्रेस नेता पिछले काफी दिनों से कांग्रेस से नाराज चल रहे हैं, राहुल गांधी से नाराज चल रहे थे, जिसके बाद कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया, और अपने इस्तीफे में उन्होंने राहुल गांधी पर गंभीर आरोप लगाए थे। अब खबर यह है कि आनंद शर्मा गुलाम नबी आजाद से उनके घर मिलने पहुंचे हैं। VK News, राष्ट्र के नाम।